देश का स्वाभिमान है राष्ट्रगान, देश के माथे का भान है राष्ट्रगान, देश की आन बान और शान है राष्ट्रगान। लेकिन देश में कुछ ऐसे भी मक्कार हैं जो राष्ट्रगान का सम्मान तो छोड़िए ठीक से गा भी नहीं सकते। जरा सपा के इन महाशय को सुन लीजिए। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये हैं सपा के सांसद एसटी हसन। वही एसटी हसन जिनका काम से कम विवादों से ज्यादा नाता रहता है। एक सांसद जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो राष्ट्रगान तक न गा पाए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। लेकिन देश में ऐसे मक्कारों की कमी नहीं है। इसमें कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी तो एक कदम आगे खड़े रहते हैं। मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जरा देखिए कि राष्ट्रगान गाया जा रहा है और ये बेशर्मी से हंसी ठिठोले लगा रहे हैं। जिसका नेता ही देश के सम्मान का मतलब नहीं समझता हो, उसके कार्यकर्ताओं को भी देख लीजिए। ये भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने की बजाय कुर्सी पर बैठे हैं। खैर, जिस पार्टी का मुखिया देश विरोधी बयान दे सकता है, आतंकवाद के लिए आंसू बहा सकता है, उनके लिए देश के अभिमान और गौरव का तिरस्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल देश की जनता से है, क्या ऐसे मक्कार देश की संसद में जाने लायक हैं? क्या ऐसे मक्कार यूपी की जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक हैं? अगर नहीं तो संकल्प लीजिए, ऐसे मक्कारों को संसद से क्या, पूरे यूपी से धक्का मार कर खदेड़ना है। यूपी के सभी कलंक को साफ करने के लिए बुआ बबुआ के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।